आज हमारे बीच हैं डॉक्टर विनायक जोशी जी, जो भारत के जाने माने ज्योतिष हैं। और क्योंकि भारत में इलेक्शन का दौर चल रहा है, लोकसभा का इलेक्शन है और 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे और कुछ और भी नेशनल मुद्दे हैं, चलिए जानते हैं। वेलकम सर। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, जो एज ए बीजेपी 370 और एज ए एनडीए अलायंस 400 पार का उनका दावा है, तो 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है ज्योतिष के हिसाब से ये कहां पे जाने वाला है आंकड़ा? मुझे बीजेपी 250 के नीचे सिमटती हुई दिख रही है और बीजेपी की स्पष्ट हार मैं इस इलेक्शन में देख रहा हूं और हार इतनी बुरी तरह से होगी कि अगले 10 साल तक बीजेपी दिखेगी नहीं। ऐसा क्यों? मतलब उनके भाजप की जो 1985 की स्थापना की कुंडली है वो, और भारत की जो कुंडली है, भारत की कुंडली वृषभ लग्न की 1947 15 अगस्त की जो है रात को 12 बजे की, उसके अनुसार इस बार बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। देश के अंदर सत्ता परिवर्तन के पूर्ण योग है और इस बार जो प्रधानमंत्री आएंगे या जो पार्टी आएगी वो लंबे अरसे के लिए रहेगी। मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि कौन आएगा क्योंकि उसके लिए मुझे सारे नेताओं की पत्रिका देखनी पड़े जो मेरे पास नहीं है, पर जितना डेटा मेरे पास उपलब्ध है उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि बीजेपी की हार और अपोजिशन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के योग है। तो त्रिशंकु होने की भी संभावना नहीं है रिजल्ट में? मुझे नहीं लगती। मुझे लगता है कि मजबूत पार्टी बनेगी और मजबूत देश की सरकार बनेगी क्योंकि इस वक्त शनि जो है भारत की कुंडली में 10वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी पूर्ण दृष्टि 12वें घर पे है। अभी जो सरकार बनेगी उससे दुश्मन भी जो है आसपास के जो मुल्क है वो भी दब जाएंगे और बहुत अच्छी सफलता बनेगी। त्रिशंकु गवर्नमेंट की कोई संभावना नहीं है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो हमारे देश का 2 ऑफिशियल नाम है, इंडिया और भारत। जब कुंडली देखी जाती है तो कुछ लोग उसको भारत के तौर पर देखते हैं, कुछ लोग इंडिया के। न्यूमरोलॉजिस्ट से मेरी कुछ देर पहले एक मुलाकात हुई थी तो उन्होंने न्यूमरोलॉजी में क्या भारत एक अलग शब्द है, इंडिया एक अलग शब्द है। सही। तो ज्योतिष में कैसा है कि अगर देश को अगर भारत नाम कंसीडर किया जाता है तब कितना लकी रहेगा और इंडिया कंसीडर किया जाता है तो कितना? नहीं, नाम कुछ भी लो, गुलाब को अगर आप कमल बदलो बोलोगे तो गुलाब की खुशबू बदल नहीं जाएगी। उस तरह से भारत को आप इंडिया बोलो, हिंदुस्तान बोलो, भारत बोलो, कुछ भी बोलो, भारत भारत रहेगा। और भारत की आजादी की कुंडली है 1947 की रात को 12 बजे 15 अगस्त को, और उस कुंडली के अनुसार इस बार प्रबल सत्ता परिवर्तन के योग है। लेकिन जो माहौल बन रहा है देश में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रेडिक्शन, कोई भी एग्जिट पोल ऐसा आया हो जिसमें बंपर हार दिखा रहा हो बीजेपी का। सर, ज्योतिष का एग्जिट पोल से कोई लेना देना नहीं होता। जब ग्रह अपना काम करते हैं तो सारे पासे पलटी कर देते हैं, बहुत कुछ बदल जाता है। तो ऐसा मान के चले कि 4 जून को जो होने वाला है वो मतलब इट इज अनप्रेडिक्टेबल, आम आदमी उसको नहीं समझ सकता, बट ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि अभी बड़ा परिवर्तन है। ये जो है ये मेदिनी ज्योतिष का विषय है। जनरली हम लोग जो न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर देखते हैं वो इंडिविजुअल देखते हैं, इंडिविजुअल में कभी नहीं जैसे देखा जा सकता। जैसे कि आप अगर ये पूछो कि क्रिकेट टीम में कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान, मान लो 2 देशों की मैच चल रही है, तो आप 11-11-22 प्लेयर्स की कुंडली नहीं देख सकते, न 2 देश की देख सकते। उसके लिए आपको मेदिनी ज्योतिष का सहारा लेना पड़ेगा। और मेदिनी ज्योतिष, मेदिनी का अर्थ होता है मैदानी ज्योतिष, प्रदेशों का ज्योतिष, और उसके अनुसार आपको उस जगह का उत्पत्ति की कुंडली देख के उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, उसी हिसाब विजय पराजय का ज्ञान कर सकते हो। वही नियम इसमें भी लागू होता है। चलिए मान लिया कि आपने बीजेपी की जन्म कुंडली देखी कि जब इसका फाउंडेशन हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी ने जिसको जनसंघ को रीनेम करके किया था, और आपने ये भी देखा कि नरेंद्र मोदी जी का जन्म कुंडली के हिसाब से देखा होगा, लेकिन बीजेपी अकेले नहीं लड़ रही है, उसमें और भी पार्टियां हैं एज ए एनडीए। तो उनकी जन्म कुंडली में हो सकता है कि ऐसा कोई प्रबल योग हो एज ए एनडीए सरकार बन सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका कारण है कि भारत की कुंडली में सत्ता परिवर्तन दिख रहा है, तो जब मेजर सत्ता परिवर्तन है तो प्रधानमंत्री बदलने ही बदलने। हो सकता है एनडीए का ही किसी घटक का प्रधानमंत्री, संभावना बहुत कम है क्योंकि सत्ता परिवर्तन का अर्थ होता है पूरा परिवर्तन, आमूल परिवर्तन,
जड़ से पूरा चेंज हो जाता है। इतना प्रबल योग बन रहा है इस बार। जी हाँ, और ये जो योग है वो करीब करीब 28 साल के बाद बना है, 28 से 29 साल हो गए। उसके पहले शनि इसी पोजीशन में आया था, तब ये हुआ था, आज ये फिर से आया है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो बीजेपी के दो और बड़े जो प्लान्स हैं या विजन आप कह सकते हैं, एक तो ये कि 2047 जब इंडिया 100 ईयर्स पूरा करेगा आजादी की, उसमें भारत एक विकसित देश बन के आएगा, एक तो वो है। दूसरा जो विश्व गुरु बनने का एक सपना है, इट्स अ विजन। आइडियली तो हर हिंदुस्तानी का ये विजन होना चाहिए, बट बीजेपी लेड एजेंडा है। बराबर है, बट अगर ग्रहों की दृष्टि से देखें तो अपना भारत की कुंडली में इस वक्त 10वें घर में शनि, 11वें घर में राहु है और पहले घर में जुपिटर आ चुका है। ये जो तीन ग्रह का योग है ये भारत को बहुत ज्यादा आर्थिक और सामाजिक ग्रोथ देगा। अपने पड़ोसी देशों से संबंध भी सुधरेंगे, जो इस वक्त अपना चीन के साथ या दूसरे पाकिस्तान है, नेपाल के साथ संबंध खराब है, वो सारे सुधरते हुए नजर आएंगे और हर प्रकार से भारत उन्नति करेगा। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि विश्व गुरु बन ही जाएंगे या हो सकता है हम ये फलानी अर्थव्यवस्था बनेंगे, बट हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो 47 तक हम विकसित भारत बनने का स्कोप दिख रहा है? उसके पहले बन जाएंगे जी। और विश्व गुरु का क्या स्कोप दिख रहा है? विश्व गुरु का नहीं कह सकते हैं, बट भारत का नाम तो बहुत हो जाएगा और बहुत तरक्की करेगा, ये मैं पक्का बोल सकता हूँ। भारत की जो ग्रह दशा बदल रही है वही बड़ा योगदान देगी, और इसके बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर बन के आएगा उसके स्वभाव से लेकर हर चीज में परिवर्तन आएगा। आज अगर वो आदमी एक्स है तो कल वाई दिखेगा, उसमें पूरा चेंज आएगा। आज हमें एक आदमी ये लगता है कि ये पोटेंशियल नहीं है, और वो आदमी ऐसा करके दिखाएगा कि जो हम सोच नहीं सकते, बिकॉज भारत की तरक्की लिखी है। अपने आप अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अपने आप नए बिजनेस आएंगे भारत के लिए, और वर्ल्ड वाइड हमें ग्रोथ मिलेगा। इसमें एक पॉइंट और है, क्योंकि आपने बेस जो पकड़ा है वो बीजेपी का बर्थ का जो कुंडली आपने पकड़ा है, जो बीजेपी वॉज फाउंडेड। नहीं, मैंने बेस पकड़ा है भारत की कुंडली, आजादी इंडिया वॉज फाउंडेड 1947 15 अगस्त रात को 12 बजे। ठीक है, भारत उससे पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था, उसकी अपनी एक आउटर लाइन थी जो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया था कि इंडिया कहां से कहां तक है। उससे भी पहले मुगल एरा में भी अपनी एक आउटलाइन हुआ करती थी, उससे भी पहले जब हिंदू राजा हो चाहे जो भी रहा हो, पर ये सारी आउटलाइन जो थी वो अलग अलग है। आज का जो भारत का नक्शा है वो आज का ही नक्शा है 47 के बाद का। आप उसके पहले अशोक के टाइम पे, सम्राट अशोक के टाइम पे या वो टाइम पे देखोगे या अंग्रेजों के टाइम पे देखोगे तो पाकिस्तान वगैरह सब जुड़े हुए थे, अफगानिस्तान जुड़ा हुआ था। आज की तारीख में जो भारत है उसमें ये कोई नहीं है, और भारत एक स्वतंत्र आउटर लाइन लेके चल रहा है। ये जो डिजाइन बनी अपने नक्शे की, भारत के नक्शे की, वो 1947 15 अगस्त को ही बनी। तो ये जो भारत की कुंडली आप बता रहे हैं 1947 में आजादी के बाद का जो आउटर लाइन हमारी बनी है कंट्री की, हाँ, आप इसी को बेस बना रहे हैं? उसी को बेस बना रहा हूँ, रात को 12 बजे के समय को। और वो जो कुंडली बनती है वो वृषभ लग्न की कुंडली है। ये वृषभ लग्न खास करके भारत देश के लिए बहुत ही अच्छा समय कहा जाएगा, जो ये जनवरी से शुरू हुआ है और आते 10 साल या मुझे लगता है 13 साल हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। उससे लंबा प्रेडिक्शन करना गलत है, बट 13 साल तो मुझे स्पष्ट नजर आ रहे हैं। चलिए, एक और जो बहुत पॉपुलर वर्ड है, राम राज्य वापस लाना भारत में। तो अभी तो अयोध्या में रामलला जी विराजमान भी हो गए, मंदिर भी उद्घाटन हो गया, सब कुछ सही हो गया, बट ठीक है वो मंदिर है, डायरेक्ट भगवान रूल करने या फिर से राजा राम नहीं अवतरित हुए हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कि अगर वो मंदिर में भी आ गए तो वी अज्यूम, हमारी आस्था का बात है कि रामराज्य वापस आ रहा है। तो इसका क्या स्कोप है कि रामराज्य सच में वापस आ रहा है या सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा बन के रह जाएगा? भारत की अगर हम सोच की बात करें तो हर घर में राम और सीता है, और भारत में जनता का राज है। जनता जो है वो जनार्दन है, जनार्दन ईश्वर को कहते हैं, तो जनता का राज राम राज्य ही है, खाली अच्छे चलाने वालों की जरूरत है। बाकी तो भारत में राम राज्य 1947 से चल रहा है, इसीलिए तो हमने इतनी तरक्की की है। और जनता के राज से बड़ा कोई राम राज्य नहीं होता, क्योंकि जनता ही ईश्वर है, जनता में ईश्वर का राज।
इतने सारे जो अचीवमेंट्स रहे हैं रूलिंग पार्टी के, आई एम नॉट फ्रॉम एनी पार्टी क्योंकि हम लोग तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, बट अगर देखा जाए तो लास्ट 10 ईयर्स में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट जो काउंट किए जा रहे हैं, जो पब्लिक पे उसका वोटिंग के टाइम पे उसका इम्पैक्ट आएगा, चाहे वो 370 हो, राम मंदिर हो, चाहे ट्रिपल तलाक हटाना हो, बहुत बड़े बड़े डिसीजन हुए हैं। योगेश जी क्या होता है जब एक इंसान 10 साल तक राज करता है, एक पार्टी जब 10 साल राज करती है तो उसके अच्छी चीजें भी होती है बुरी चीजें भी होती है, तो वो दोनों कंपेयर होते हैं, तो आप नहीं कह सकते हैं कि खाली अच्छा हुआ, ये भी नहीं कह सकते हैं कि खाली बुरा हुआ। आगे जाएंगे उनकी भी कुछ गलतियां होनी है क्योंकि कोई इंसान पूर्ण नहीं है, बट फिर भी अभी योग तो नहीं है ऐसा जी। तो चलिए, तो हम 4 जून को फिर से एक बार इस पे कनेक्ट हो सकते हैं और देखते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से जो भारत की या सत्ता परिवर्तन की बातें जो ज्योतिष के हिसाब से दिख रही हैं वो कितनी सच साबित होती हैं, और उसके बाद फिर हम लोग लगता है फिर से एक वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी और हम जल्द ही मिलेंगे। अवश्य। थैंक यू सो मच। थैंक यू।